तो गाइस थोड़ी देर में मंडे नाइट रॉ का एपिसोड शुरू होने वाला है, जो कि मेरे हिसाब से एक काफी धमाकेदार एपिसोड होगा, क्योंकि वहां पर ओजी ब्लड लाइन आ सकती है, न्यू ब्लड लाइन आ सकती है, साथ ही साथ में वहां पर सीएम पंक भी देखने को मिल सकते हैं, और क्या पता वहां पर रोमन रेंस भी आ जाए, क्योंकि ये सर्वाइवर सीरीज से पहले गो होम एडिशन होने वाला है रॉ का। इसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वहां पर काफी सारे मैचेस को भी कंफर्म किया हुआ है, तो उनके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं रसल बग, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमने एक ब्रांड न्यू चैनल बनाया जिसका नाम WC टॉक्स होने वाला है, यानी रसल कम्युनिटी टॉक। जी हाँ गाइस, रसल कम्युनिटी यहाँ पर वापस आ चुके हैं, वो भी एक ब्रांड न्यू अवतार के साथ, और उस पर आपको काफी नई नई वीडियो देखने को मिलने वाले हैं, काफी बढ़िया बढ़िया डिस्कशन होंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि इसी फ्राइडे को उस पर वीडियो आने वाली है। तो जाओ भाई उस चैनल को भी प्यार दिखाओ। बाकी अब बढ़ लेते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस सबसे पहले चीज की बात करें तो कल रॉ पर हमें बियांका ब्लेयर वर्सेस नाया जैक्स का एक मैच देखने को मिलेगा, और इस मैच को जो भी जीतेगा उसे विमेंस वॉर गेम्स मैच में एडवांटेज मिलने वाला है। तो ऐसे में आपके हिसाब से इस मैच को कौन जीतेगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगली चीज की बात करें गाइस तो हमें यहाँ पर न्यू डे वर्सेस अल्फा अकेडमी का भी मैच देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर हो सकता है एक बार फिर से हमें न्यू डे के बीच कुछ ना कुछ गड़बड़ी देखने को मिले। क्या पता यहाँ पर फाइनली जो जेवियर वुड्स है वो यहाँ पर कोफी किंगस्टन पर टर्न भी कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस हमें वहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस लुडविंग काइजर का एक मैच देखने को मिलने वाला है, और वैसे तो ये एक नॉन टाइटल मैच होगा, लेकिन मैच देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। बाकी आपके हिसाब से इस मैच में कौन जीतेगा वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक और टैग टीम मैच की बात करें गाइस तो ये होने वाला है एक टोर्नाडो टैग टीम मैच, जो कि होगा रे मिस्टीरियो एंड ड्रैगन ली वर्सेस द अमेरिकन मेड के बीच, और ये एक टोर्नाडो टैग टीम मैच है, यानी यहाँ पर टैग्स नहीं होंगे बल्कि ये आपस में सीधा लड़ेंगे। तो इस मैच को देखने में भी काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बाकी आपके हिसाब से इस मैच में कौन जीतेगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब आ जाते हैं गाइस रॉ के सबसे मेन चीज की तरफ। जैसे कि हमें पता ही है आज का रॉ यहाँ पर सर्वाइवर सीरीज के लिए एक गो होम एडिशन होने वाला है, यानी इसके बाद सीधा हमें स्मैकडाउन देखने को मिलेगा और वो ऑलरेडी टेप्ड है, और उसके बाद सीधा सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स देखने को मिलेगा। समय इस रॉ में हम काफी बड़ी बड़ी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ओजी ब्लड लाइन तो आने वाली, यानी सैमी ज़ेन, जे उसो एंड जिमी उसो तो आने वाले हैं, साथ ही साथ हो सकता है हमें यहाँ पर फाइनली ट्रैवल चीफ भी आते हुए नजर आए, क्योंकि जहां तक मुझे याद है वो किसी न किसी रॉक एपिसोड के लिए तो एडवर्टाइज किए गए थे, वो तो मैं कंफर्म करके नहीं बता सकता, लेकिन अगर रोमन रेंस वहां पर आ जाते हैं तो काफी ज्यादा धमाका होगा। इसके अलावा गाइस सीएम पंक भी रॉ पर ही होने वाला है, क्योंकि वो एक रॉ सुपरस्टार है, और हमें पता ही है जहां पर ओजी ब्लड लाइन जाती है पीछे पीछे ब्लड लाइन खुद ब खुद आ जाती है, यानी सोलो सिक्वा की ब्लड लाइन भी वहां पर हो सकती है। और जैसे कि मैं बताया रिसेंटली पॉल हेमन का रिटर्न हुआ, तो वो भी यहां पर ओजी ब्लड लाइन के साथ होने वाले हैं। तो क्या पता हमें यहां पर ओजी ब्लड लाइन, जहां पर रोमन रेंस भी हो, सीएम पंक भी हो, वो यहां पर न्यू ब्लड लाइन को चुनौती देते हुए नजर आ सकते हैं, यानी वो यहाँ पर उन्हें वॉर्न कर सकते हैं सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए कि वहां पर उनका क्या हाल होगा। साथ ही साथ हमें इन दोनों टीमों के बीच एक धमाकेदार ब्रॉल भी देखने को मिल सकती है, या फिर क्या पता WWE वहां पर कोई प्रोमो सेगमेंट प्लान कर रही हो जहां पर सीएम पंक को, रोमन रेंस हो, सोलो सिकोआ हो एंड पॉल हेमन हो, इसके अलावा और भी ओजी ब्लड लाइन के मेंबर होंगे, तो ये अपने में ही काफी बड़ा रॉ बन जाएगा। तो गाइस ये कुछ था जो कि मुझे लगता है आज के मंडे नाइट रॉ में होने वाला है। आपके हिसाब से वहां पर क्या कुछ हो सकता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।